आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। लोक पंचायत से जुड़े महिलाओं ने लक्ष्मी बाई के जन्मोत्सव पर स्कूटी रैली निकाली। आपको बता दें कि आज वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का जन्मोत्सव है। इस मौके पर लोक पंचायत से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने जीवनगढ़ स्थित लोक पंचायत कार्यालय से रैली प्रारंभ की, जिसको पद्मश्री विभूषित प्रेमचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये रैली कैनाल रोड से होते हुए विदाश होते हुए डाकघर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में समापन हुई। सरस्वती विद्या मंदिर में जौनसार बावर से विभिन्न पदों में वर्तमान में कार्यरत महिलाओं ने एक गोष्ठी विचार का आयोजन किया। इस गोष्ठी में महिलाओं ने जौनसार बावर में पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से जौनसार बावर की संस्कृति की झलक दिखाने का प्रयास किया। साथ ही संस्कृति, संयुक्त परिवार, रीति रिवाज के बारे में महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जौनसार बावर के तमाम दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं से भी उन्होंने आगे आकर अपनी भागीदारी निभाने पर भी जोर दिया। साथ ही महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर अच्छे संस्कार संस्कृति को अपनाने पर भी बल दिया। इस अवसर पर सीबीएसई के जोनल डायरेक्टर रणवीर सिंह, सूचना संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान सहित लोक पंचायत के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ रिपोर्टर रुद्रपाल थापा की रिपोर्ट। एक बात आप देखिए कि जिस ढंग का ये लोक पंचायत द्वारा ये आयोजन किया गया, बहुत ही गजब का आयोजन, मतलब जिन्होंने ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज जो है जो बालिकाओं को, जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है, जो स्कूटी यात्रा निकाल करके जो संदेश दिया है लक्ष्मीबाई के जन्म, बहुत ही सराहनीय है। मतलब इसकी सोच को मैं तो इनको ये धन्यवाद देता हूँ, किस तरह की इन्होंने जो ये किया है, किससे क्या हमारे बच्चे और हमारे जो ये समाज में जो छोटी छोटी ये कुरीतियां, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। आज देखो कितना गजब का बोला उन महिलाओं, तो ऐसा लगता था कि इनके ये जो है थोड़ा और लंबा बोलते रहते, कितने अच्छे विचार रखते हैं। ये देखो मैंने मन से भी कहा कि हमारे जौनसार जनजाति क्षेत्र की महिलाओं ने जो ये पहनावा जो बढ़ा दिया है, आज हम तो इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस मामले में हम पुरुष तो फिसड्डी रहे। हमने जो ये आज हमारा ये वस्त्र है, इसको हम पहनने में शर्म मान रहे लोग, लेकिन हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज देखिए मतलब किसी भी मंच पे अगर ऐसे ऐसे शहरों में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है पत्रकार लोग इस ओर ज्यादा ये देखेंगे, यार क्या गजब का पहनावा। संस्कृति से और अपने क्षेत्र का जो हमारा ये संयुक्त परिवार का ये संदेश जो जा रहा है हर जगह, तो मतलब इससे हमको जो बिल्कुल इसका सभी को ये करना है, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी कृषि, जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में कृषि का बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है।